बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज टाइम मैनेजमेंट का छठी क्लास है, छठा पार्ट है, छठा इसका जो है हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो बताइएगा, आज इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे आवाज़ कैसी आ रही है वो बताइएगा, ख़ास करके क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। माइक के साथ जो आवाज़ रिकॉर्डिंग करता हूँ वो ज़्यादा सही आ रही है, इसके ज़रिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ज़्यादा सही आ रही है बताइएगा। और आज की जो क्लास है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी हार्ड भी पड़ सकती है, किसी किसी को चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और किसी किसी को माशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो इसको एक एक चीज़ को ध्यान से और सुकून से सुनने की कोशिश कीजिएगा आराम से। आज की जो हमारी छठी क्लास है इसका नाम है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत, पेरेटो के 20-80 के नियम को जाने। पेरेटो के 20-80 के नियम को जाने यानी कि अपने टाइम को 20% और 80% में डिवाइड करके मतलब इसके नियम को जाने। तो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पेरेटो के 20-80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो का अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएँ आपको 80% परिणाम देगी, यानी कि आपकी 20% खूबियाँ, 20% तक आपको आपका टैलेंट, 20% आपका टैलेंट आपको 80% तक रिजल्ट देगा, बशर्ते आप अपनी शीर्षक 20% तक प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। क्योंकि ज़रूरी है कि आप पूरे फोकस के साथ अपने 20% तक जो पावर है उसको अपने समय के ऊपर, अपने ऊर्जा के ऊपर, धन और कर्मचारी इनके अपने माल इनके जो काम है उसको पूरा एक साथ में 20% ऊपर लगाने की कोशिश करें। यानी हमें अपने प्रतिशत परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका ये अर्थ भी है कि हमारे समय के अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद हो जाता है। इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि इतने सारे काम होते हैं कि 80% तक बंदा काम कर रहा है, यानी कि 80% काम कर रहा है, उसको उसका रिजल्ट सिर्फ 20% ही मिल रहा है। एक तो ये हो गया, और इसका दूसरा ये हुआ कि बंदा 20% काम कर रहा है और उसको 80% रिजल्ट मिल रहा है। ये है 80-20, क्या बोलते हैं 80-20, मतलब आप लिखेंगे तो प्रिंसिपल। हाँ, आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो मैं इसमें और डिटेल में नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सब एनिमेशन डालना उसमें भी और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि 80-20 प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें कि बंदा 80% काम कर रहा है उसको 20% रिजल्ट मिल रहा है तो ये उसका नुकसान है, और बंदा 20% काम कर रहा है उसको 80% रिजल्ट मिल रहा है तो ये तो उसके फ़ायदे लिए है ना। तो इसको ये करना है हमारा आज का जो पार्ट, इसमें यही सीखना है कि अपने काम जो आप 80% काम कर रहे हैं और आपको जो 20% रिजल्ट मिल रहा है तो उस ऐसे कामों को, कितने कामों को छोड़ दिया जाए और ऐसे काम किया जाए कि आप 20% काम करें और आपको 80% रिजल्ट मिले। यदि हम अपने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम उस 20% सामर्थ्य समय का पता लगाएं और जहाँ तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। यानी कि हम अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपने 20% समय का पता लगाएं कि ऐसा कौन सा 20% टाइम है जिस पर हम बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, और अपने उन समय का भी पता लगाएं कि 80% जिसमें हम टाइम दे रहे हैं और हमें कोई परिणाम, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। योजना बनाते समय यानी कि इसका प्रोजेक्ट बनाते समय पेरेटो के 20-80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप ये महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। यानी ये सब चीज़ आप लिखोगे, देखोगे, सीखने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कौन सा समय आपको फ़ायदा दे रहा है और कौन सा नुकसान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत पेरेटो के 20-80 के नियम जाने। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप में हमें पूर्णतावाद यानी परफेक्शन जिसका क्या बोलते हैं परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। ये बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं। ये होता है बिल्कुल सही, यानी कि आप अपना 80% काम अपने 20% टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं, लेकिन लोग आलसू बनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब होता है क्या है कि ये बताता है कि
हम अपना 80% काम, यानी कि 80% काम 20% टाइम्स के समय में ही पूरा कर सकते हैं, और बचे हुए 20% काम को 80% समय बर्बाद करते हैं। ये भी होता है, कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, जो वो टाइम 80% में काम कर रहे होते हैं, वो इतनी स्पीड में करते हैं, इतनी ऊर्जा से करते हैं कि उस काम को 20% टाइम के अंदर कर डालते हैं। अब उनके पास 80% टाइम बचा, तो अब कितने लोग होते हैं वो 20% टाइम के अंदर जो काम होने वाला होता है उसके अंदर आलस करके, टाल मटोल करके, थोड़े बहाने बना के उस काम को 80% तक लेके जाते हैं, यानी कि टाइम बहुत वेस्ट कर डालते हैं, बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा पाता है। नहीं, कितने ऐसे भी लोग होते हैं कि यार मैं थोड़ा स्लो करूँगा, धीरे धीरे करूँगा तो मुझे इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाऊँगा, ऐसे हज़ार तरीके की उनकी सोच भी होती है, कितनों के बहाने होते हैं, सब अलग अलग होता है। तो इन शॉर्ट यही है कि अपने वक्त की सही इस्तेमाल करें। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं तो पेरेटो के सिद्धांत को आज़मा कर देखें। इससे आप ये जान जाएंगे कि आप किस काम की कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। ये पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पेरेटो के 20-80 के नियम को जाने। अब ये मैं इसमें और डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि जो मेरे पास बुक है इसमें भी इन शॉर्ट इतना नॉर्मली बेसिक ही दिया हुआ जितना मैंने आपको बताया, लेकिन आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी फिलहाल तो अपना ही टाइम मैनेजमेंट का कोर्स शुरू होगा, इसके अंदर और इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आपको इसके बारे में और जानना है तो यूट्यूब पर सिर्फ लिखे 80-20 प्रिंसिपल, बस आप इतना लिखे, आपको काफ़ी सारी डिटेल, काफ़ी सारी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको वो और अच्छी तरीके से डिटेल्स में इंशाल्लाह समझा सकेंगे। तो इन शॉर्ट यही दुआ है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अब बस अपने टाइम का पूरा बोलते हैं कि एनालाइज्ड करें, अपने टाइम का पूरा हिसाब लगाए, अपने कामकाज का पूरा हिसाब लगाए, स्कूल कॉलेज जा रहे, कामकाज कर रहे, घर में जहाँ जो भी कर रहे, एनीथिंग A to Z आप जो भी कर रहे हैं, 80-20 अपने टाइम का, पीछे मैंने अभी तक के कोर्स में मैंने बताया था कि हर चीज़ को लिखने की कोशिश करें, जो महत्वपूर्ण काम है उसको पहले करने की कोशिश करें, बड़े बड़े काम है उसको पहले करने की कोशिश करें। इससे बहुत सारे हमने पहले पार्ट में बताया, वापस बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कि अपनी 80-20 रिजल्ट को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें। मैं भी इंशाल्लाह जैसे मैं बताता हूँ तो मैं खुद भी अपने ऊपर भी डालने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं आपको बताता हूँ उससे ज़्यादा मुझे लिखना पड़ता है। मैं आपको बुक बताऊँगा तो हैरान हो गए तो भाई ये क्या आप इतना सारा आप लिख लेते हो, काफ़ी सारा मुझे लिखना पड़ता है। आपको बताने से पहले मुझे कितनी बार उसको पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद में अभी ये आज मैं आपको एक दो दिन हो गए मेरे ख्याल से, मैंने परसों ही सारी 3-4 वीडियो एक साथ में शूट कर ली थी, 3-4 पार्ट कोर्स के एक साथ में शूट कर लिए थे, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार सिर्फ बता देना ज़रूरी नहीं है, समझाना भी साथ में ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बुक में जो लिखा है सेम टू सेम मैं वही बता दूंगा तो कितने लोग होंगे जो माशाल्लाह समझ जाएंगे, लेकिन कितने लोगों के जो बेचारे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा आराम से बताऊँ, अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। तो आखिर में याद रखें और इस चीज़ को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, देखिए आप समझेंगे नहीं जब तक आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अपनी लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस होता है मैं वही बताता हूँ कि आप इतने सारे काम कर रहे होते हैं, आप मिसाल के तौर पर समझिए आज हमने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में जाना, 80-20 यानी कि आप 80% काम कर रहे हो, ठीक है, समझने की कोशिश करें एकदम सुकून से, 80% आप काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट सिर्फ 20% ही मिल रहा है, तो ये नुकसान है ना, कोई फायदा 80% आप काम कर रहे हो, आपको 80% का 70% 50% 60% रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आप 80% काम कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ 20%, ठीक है, तो ये तो नुकसान है आपका हर तरीके से। और एक बंदा है जो आप काम कर रहे हो कि 20% काम कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल रहा है 80%, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो इसको मिसाल के तौर पे समझने की कोशिश करें कि स्कूल के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो पूरे साल अच्छे से मेहनत करता है,
बहुत पढ़ाई करता है, अपनी पूरा फोकस लगा देता है, पूरी हर क्लास के सारे उसके जो भी लेक्चर होता है उसके अंदर अटेंड करता है, घर आके अच्छे से पढ़ाई करता है, ट्यूशन होता है ट्यूशन में अच्छी तरीके से जाता है, घर पे स्टडी करता रहता है, इनको पढ़ाई में पूरा साल अपना लगा देता है। और फिर एग्ज़ाम आता है तो उसके मार्क्स समझे कि यही कुछ कम आते हैं, जितने उसकी पूरी साल की मेहनत उसका जो बोलते हैं टारगेट होता है वो नहीं हो पाता, उससे कम ही हो पाता है। और एक लड़का है कि पूरे साल इतना ध्यान नहीं देता है, पढ़ता रहता है, अपने दूसरे सारे काम भी करता रहता है, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है, होशियार है, समझदार है, अच्छा इंसान है, तो वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब होती है तो पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं, अपने से बड़े जो अपने सीनियर लोग होते हैं उनसे बात करके उनसे इस ताल्लुक से पूछता है, अपने टीचर्स होते हैं, अपने सर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स हासिल करता रहता है। लेकिन फिर जो मेन चीज़ें होती है ज़्यादातर, इतने सारे लोगों से उसने बातचीत की होती है, इतने सारे अपने से सीनियर से अपने बड़ों से बात की होती, तो इतना सारा उसने डेटा जमा करके फिर उसको पता चलता है कि हाँ ज़्यादातर लोगों की ये राय है, उसमें ये चीज़ आती है, तो फिर वो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है और भी इसका बहुत सारी वो रिसर्च करता है। और फिर उसको तो पता है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिर जब वो एग्ज़ाम देता है फिर वो उसमें करता है तो वो अच्छे खासे मार्क्स लेके वहाँ से निकलता है। तो ये उसकी 20% मेहनत होती है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है वो उसके ऊपर। तो इन शॉर्ट यही कहना है कि 80-20 प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करें, अपने वक्त को कोशिश यही करें कि आपका 20% काम करें और आपको 80% रिजल्ट मिले, और 80% काम ऐसा ना करें जिसका आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिल रहा हो। कोशिश करते रहें, उम्मीद भी रखें, हारे भी नहीं, और इंशाअल्लाह आप खुश भी रहे, अल्लाह पाक सबको खुशहाल रखे, दुआ खैर में याद रखें। और आज के यहाँ हमारे माइक का हेडफोन का कैसा रिव्यू है ज़रा बताइएगा, किसका आवाज़ कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और आज माशाल्लाह एक और मैं खुशखबरी इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में बताता हूँ, तो दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।